समय लगा एक बार फिर से एंटॉर्क 125 ये की गई है टूरिंग मोड से रेडी जरा जो कि मिलता है आपको फुल बॉडी क्रैशेस से लगा मिल जाता है जेरी कैन जो कि देखिए जिसमें इस तरह आपको मिलेगी फॉग लैंप जो कि मिलता है आपको एचएसजी ओरिजिनल इसके साथ ब्लिंकर जो आप नीचे करेंगे तो और फिर लेवल हो गया प्लस आपका येलो हो गया प्लस आपका साथ में इसमें ब्लड इंडिकेटर ये भी इसके अंदर लगा देगी तो लेजर लाइट देगी वेलकम बैक में मैं हूं आपका अपना राज भाई राज आपके सामने लाया एक बार फिर से एंटॉर्क 125 एक्सपी और ये की गई है टूरिंग मोड से रेडी जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर टूरिंग मोड की बात चलिए पहले टूरिंग मोड ही दिखाता हूं पहले लगा देंगे क्रैश गार्ड जो कि मिलता है आपको फुल बॉडी क्रैशेस से लगाने के बाद ना आपकी बाइक की पूरी बॉडी प्रोटेक्ट होती है और बॉडी के साथ साथ ना इसके अंदर आपको मिल जाता है जेरी कैन जो कि देख सकते हो जिसमें जब भी आप लद्दाख जाते हो लद्दाख में क्या होता है हानले वगैरह के अंदर या और भी बहुत सारी जगह जहाँ पेट्रोल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है और बाइक स्कूटी आपको पता है स्कूटी के अंदर पेट्रोल टैंक होता है वो ज़्यादा से मैक्सिमम 4 से 5 लीटर का होता है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है राइडिंग करते हुए तो आपको कुछ नहीं करना सिंपली इसके अंदर 5 लीटर इसके अंदर और 5 लीटर आपका आ जाएगा इसके अंदर पेट्रोल आप भर कर ले जा सकते हो कहीं पर भी क्योंकि आपको पता है वहाँ ब्लैक में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है लाइक 150 से 200 तक पेट्रोल वहाँ पर मिलता है और इतना एक्सपेंसिव लेना कोई फ़ायदा नहीं जो आपको ये चीज़ लगी हुई हो और इसमें दिया हुआ साथ में लॉक जिससे आप लॉक ऑन ऑफ करने के बाद आप इसे चाहो तो लॉक करके खड़ी कर सकते हो और अगर जो आपको लॉक नहीं करना है इसको आपने निकालना है इसको तो निकाल कर भी इजीली इसे लॉक खोलिए रिमूव करिए और रख दीजिए कहीं पर जरूरी नहीं कि आपको हमेशा इसे कैरी करना है जब भी आप टूर पर जाते तभी ये आप यूज़ करें अदरवाइज आप इसे रख सकते हो दोनों तरफ सर भी सेम इस तरफ क्रैश गार्ड बताई दिया बॉडी प्रोटेक्शन सेम इस तरफ बॉडी और सेम आपको बैक साइड मिलेगा बॉडी प्रोटेक्शन पूरी तरह देख सकते हैं इसके अंदर जो आपको मिल जाता है फुल्ली प्रोटेक्शन वाला आपको क्रैश गार्ड और उसके बाद आपको देखने मिलेगा ऊपर की तरह ऊपर आपको मिलता है इसके अंदर GPS रॉड जिसमें आपका मोबाइल होल्डर इजीली होल्ड हो जाता है और मोबाइल होल्डिंग के साथ साथ ना आप चाहो तो देखो सबसे पहले तो ना ये आवाज़ नहीं करता जैसे बहुत से मोबाइल होल्डर क्या होता है साउंड करते हैं साउंड बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर क्योंकि ये मिलता है बुबू का ओरिजिनल और इसे लगाने को कहीं भी आप इजी टू राइड कर सकते हो सिंपली आपने मोबाइल का GPS ऑन करना है और निकल जाना है किसी भी राइड पर चाहे छोटी हो चाहे आपकी बड़ी राइड इस तरह आपको मिलेगी फॉग लैंप जो कि मिलते हैं आपको HSG ओरिजिनल और ये है आपके मिनी वाली जिसके अंदर मिल जाता है इसके अंदर रोशनी आपको दिखाता हूँ किस तरीके इसमें आती है ये देखिए पहले मिलेगा इसके अंदर ब्लिंकर्स जो आप नीचे करेंगे तो और फिर नीचे करेंगे तो आपको ब्लिंकर इसमें येलो भी मिलेगा ब्लिंकर इसमें वाइट भी मिलेगा ब्लिंकर आपको मिलेगा येलो वाइट भी और साथ में अगर नॉर्मल जलाना तो देखिए अपर में आपका नॉर्मल आपका ये रेड डेविल हो गया प्लस आपका येलो हो गया प्लस आपका वाइट हो गया प्लस आपका येलो वाइट हो गया तो ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको एक ही फॉग लैंप के अंदर जो कि मिलते हैं आपको HSG ओरिजिनल और ये एरोप्लेन मोड वाली जो आपकी लाइट्स हैं इसे एरोप्लेन भी लाइट भी कहते हैं इसके अंदर साथ में आपको देखने मिल जाएगा इसके अंदर मिरर जो कि मिलते हैं आपको लाइटिंग वाले मिरर इस तरफ भी दोनों तरफ मिरर मिल जाते हैं मिरर लगाने के बाद ना आप देख सकते हैं पहले इसका करता हूँ हैजार्ड ऑन कर दिया गया इस हैजार्ड ऑन से क्या है इंडिकेटर से कनेक्टिविटी हो गया आपको एक इंडिकेटर इधर इसमें इंडिकेटर का पैटर्न मिल जाते हैं आपको जो कि आपको देख सकते हैं हैजार्ड लगा हुआ है सिमटेक का ओरिजिनल साथ में जो मिरर है मिरर को दिखाया तो आपको रोशनी बैक साइड मिल जाती है फ्रंट में भी आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से जिससे नाइट में अगर आप चल रहे हो आपको पता है या दिन में भी चल रहे हो आपको पता है कि आपने इंडिकेटर दे रखा है बट आप बंद करना भूल जाते हैं तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि भैया इंडिकेटर बंद कर लो ये भी आपका ऑन है और साथ में हैजार्ड की बात कर रहे हैं इंडिकेटर बल्ब की सिमटेक ओरिजिनल हैजार्ड है सिमटेक ओरिजिनल आपको इंडिकेटर बल्ब मिल जाता है जितनी बार पुश करूंगा बटन उतनी बार ऑटोमेटिकली पैटर्न्स हो जाते हैं इसके चेंज और इसके मिलते हैं आपको 20-30 पैटर्न और साथ में इसके अंदर मिल जाते हैं हैंड गार्ड ये हैंड गार्ड वैसे तो लाइट वाले होते हैं बट क्या होता है भैया ने कनेक्शन नहीं कराया है क्योंकि ज़्यादा लाइटिंग भैया ने नहीं करा रखी है इसके अंदर बट भैया को इसकी लुक अच्छी लगी इसलिए भैया ने इसके अंदर इंस्टॉल करा लिए हैं जिससे आपका लीवर और हैंड दोनों होते हैं पूरी तरह प्रोटेक्ट इस तरफ से भी एंड इस तरफ से भी और साथ में इसमें पाम रेस्ट भी लगा रखे देखिए पाम रेस्ट भी लगा रखे हैं इसमें इस तरफ भी और इस तरफ को जो लॉन्ग राइड करते हैं लॉन्ग राइड पर क्या है ईजिली अपना इस तरीके से राइड कर सके इसलिए इसके अंदर पाम रेस्ट भैया ने लगा रखे हैं साथ में हैंड ग्रिप जो कि आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट वाले हैंड ग्रिप है ये भी इसके इंस्टॉल कर दिए हैं ब्लैक एंड रेड बाइक है तो इसके अंदर ब्लैक का कॉम्बिनेशन ही दिया गया सिर्फ ब्लैक का आपको ग्रिप मिल जाते हैं इसके अंदर जो कि आपके जो ग्रिप होते हैं वो हट जाते हैं और ये इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं नीचे आपको देखने मिलेगा इसके अंदर ये है आपके हॉर्लिस्ट इंडिकेटर बाद में इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं जो कि देख सकते हो दोनों तरफ से मिल जाता है आपको इंडिकेटर्स भी हार्ले स्टाइल एंड आपका रेड डेविल जो कि आप देख सकते हो ये भी इसके अंदर लगे हुए हैं जिससे लुक काफ़ी क्लियर
हो जाती है इस बाइक की। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा फॉर्क स्लाइडर, जिससे इसकी लुक भी नाइस, और लुक के साथ साथ ना आप देख सकते हो लुक के साथ साथ इससे सेफ्टी भी हो जाती है। इसमें काफ़ी सारी डिस्प्ले सेफ होती है एंड आपका शॉकर भी होता है पूरी तरीके से सेफ। और उसके बाद आपके बाद आपको मिलता है इसके अंदर मैट, ये देखिए एंटॉर्क की ब्रांडिंग वाला मैट भी इसके अंदर मिल जाता है आपको, जिससे लगाने के बाद ना जब भी आप राइड करते हो थोड़ी सी अलग लुक नज़र आ जाती है मैट लगाने के बाद। इधर आपको देखने मिलेगा सीट कवर जो कि मिलता है आपको इसके अंदर ब्लैक एंड रेड की कॉम्बिनेशन के साथ, क्योंकि कुशनिंग भी कर दी गई इसके सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब भी राइड करेंगे राइड करने के बाद थोड़ा कंफर्ट फील होना चाहिए। कोई सी बाइक कोई सी भी स्कूटी अगर आपके पास होती है, अगर आप ज़्यादा राइड करते हो तो ये भी एक मैंडेटरी चीज़ है जो आपको पता है कि बैक पेन होने से दिक्कत ज़्यादा होती है अगर राइड करते हो, आपको बार बार गाड़ी स्कूटी कुछ भी खड़ी करनी पड़ती है, तो जब ये हो जाते हैं कम्फर्टेबल तो वो प्रॉब्लम आपकी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है। इधर आपको देखने मिलेगा टॉप रैक जो कि आपका इसमें लगा, टॉप रैक विद बैक रेस्ट, इसमें टॉप रैक विद बैक रेस्ट लगा दिया गया है, जिससे कोई प्लेन राइडर बिठाना जो बिठा भी सकते हो और वो सामान कैरी करना हो तो वो भी इसके अंदर कैरी कर सकते हो इजीली। बैक रेस्ट एंड टॉप रैक, टॉप रैक सामान वगैरह रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है इसके अंदर। जैसे कि आपने देखा ये है आपकी टूरिंग मोड से रेडी। और बैक साइड में मिलता है आपको इसके अंदर ब्लिंकर, चाबी ऑन करता हूँ ब्लिंकर दिखाता हूँ किस तरीके, देखिए ब्लिंकर मिल जाता है इसके अंदर रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन जो कि आपको मिलता है कुछ से, जैसे कि राइड करते हुए कंफर्ट राइड के लिए लगाए, ना कि किसी को परेशान करने के लिए, क्योंकि जब भी लॉन्ग राइड पे राइड करी जाती है तो वहाँ पर अंधेरा भी होता है कोहरा भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपका रिजॉल्व करती है आपके ब्लिंकर। छोटे से ब्लिंकर है बट काम बहुत बड़ा है इसका। अब बात करी जाए दूसरी चीज़ की तो इंडिकेटर, इसमें ब्लड इंडिकेटर ये भी इसके अंदर लगा दिया। इसे लगाने से क्या होता है, जो काम इसका है वही काम आपका इसका है। इसमें होते हैं लेज़र लाइट, देख लो लेज़र लाइट होते हैं काफ़ी दूर तक इसके अंदर नज़र आता है, जो बैक साइड वाला राइडर है जो पीछे वाला राइडर राइड कर रहा होता है ना उसको पता लगता है कि आगे कोई सी बाइक जा रही है। तो यहाँ पर आकर इस बाइक की इस स्कूटी की मॉडिफिकेशन हो चुकी है कम्प्लीट। अब एक बार मिलाना चाहूँगा भैया से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमारे पास क्या सोच कर आए थे, कैसा रहा, अच्छा रहा बुरा रहा, बताए सुनते हैं भैया की जुबानी। आइए सर। हेलो भैया। तो भैया पहले बताइए कहाँ से हैं और कैसे हैं और कैसा लगा उसका? मैं फरीदाबाद से आया हूँ, वैसे तो मैं दिल्ली में ही जॉब करता हूँ, तो यहाँ पे बहुत उम्मीदों के साथ आया था भैया से अपनी गाड़ी को टूर मोड में रेडी कराने के लिए। मार्केट में हर जगह से मेरे को मतलब हर सामान अलग अलग से लेना पड़ रहा था, प्लस अलग से उसको मतलब इंस्टॉल कराने के लिए देना पड़ रहा था। यहाँ पे आया हूँ, सारे काम एक बार में हो गए हैं और मतलब फटाफट जैसी बाइक आई वैसी भैया काम पर लग गए और मतलब बहुत बढ़िया तरीके से मतलब प्रिपेयर करी है मेरी बाइक, मॉडिफाई की है, उसके लिए थैंक यू। कहाँ पे टूर लगाना चाहते हो? मैं पहला टूर तो अमृतसर जाऊंगा, फिर उसके बाद में कश्मीर का लगाऊंगा, उसके बाद में फिर आगे देखूंगा प्लान गोवा वगैरह का। मतलब भैया ने एक सोच रखा है कि इसी स्कूटर से ऑल इंडिया कवर करना है शायद। हाँ, मिड तक, मिड सेगमेंट वाला टूर करना भैया को। हाँ, ज़्यादा दूर वाला भी नहीं करना, मिड सेगमेंट वाला सारा करना है। जी, तो ऑल अबाउट आपके अकॉर्डिंग जैसा आपने सोच कर आए थे घर से वही सेम तैयार हुई है, उससे कुछ अप हुआ है? उससे बेटर तैयार हुई है, उससे बेटर तैयार हुई है। जो पहली वीडियो थी आपकी उसमें ये रेड कलर के थे तो मैंने ब्लैक कलर के लगवाए हैं, ये पूरा ऊपर से लेके यहाँ तक ब्लैक है, तो ये एक ही शेड में आ रहा है मतलब, तो उससे ज़्यादा बेटर लग रहा है। जब वीडियो देख कर आए? हाँ, वीडियो देख के आया था मैं। चलो, ऑल अबाउट सेटिस्फाइड है? हाँ, सेटिस्फाइड। चलो, थैंक यू। और सो दूसरी बात है कि अगर कोई और भाई बंधु आना चाहे हमारा जी ऑल इंडिया, तो क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी? रिकमेंडेशन यही रहेगी, बिल्कुल आइए यहाँ पे, सारा काम एक बार में हो जाएगा, टाइम जल्दी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच भैया आने के लिए, विजिट करने के लिए। और आपको भी कराना अपनी किसी भी बाइक किसी भी स्कूटी के अंदर मॉडिफिकेशन तो पा सकते हो आपके अपनी शॉप राजू भाई की शॉप पर, जो कि मिलता है आपको दिल्ली के करोल बाग नावेल के अंदर। जब भी आप आते हो तो सबसे पहले ध्यान दें एड्रेस लोकेशन, वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, बाकी किसी को नहीं मिलती है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7827271714। आप कॉल करके भी आ सकते हो, डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, शॉप के नंबर पे भी कर सकते हो, सारे नंबर इसके अंदर मेंशन दिए गए हैं। बाकी सबसे मेन आप हनुमान जी की मूर्ति जो विशाल मूर्ति है इनके जस्ट अपोजिट आर्या समाज रोड, जो कि आपको पता है बहुत ही फेमस आर्या समाज रोड है, इसी रोड पर अपनी शॉप मिल जाती है, जो कि मिलता है आपको पहले चौक पर। हनुमान जी की मूर्ति अंदर एंटर मारेंगे गफार के लिए तो भी आर्या समाज रोड पर आना पड़ेगा, अगर आपको बिडनपुरा वगैरह जाना हो तो भी आपको इसी रोड पर आना, आर्य समाज बाइक मार्केट के लिए भी आपको आर्य समाज रोड से जाना पड़ेगा, कार मार्केट के लिए भी आपको आर्य समाज रोड से जाना पड़ेगा। और जैसे एंट्री मारते पहले चौक पर पड़ती है हमारी शॉप, जब भी आप आएँ तो इस चीज़ जरूर ध्यान दें, मेन रोड पर शॉप है हमारी, अंदर अभी कोई शॉप नहीं है, आते हो तो ध्यान दो, बाकी नंबर आपको दिया ही हुआ है, आप चाहो तो लोकेशन मंगा सकते हो, निकाल भी सकते हो अंदर से।
इसी के साथ वीडियो चलो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आपका ये भाई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ब्लॉग्स लाता रहता है। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मत्स्य ज्ञान, गुड बाय।